Hello, my dear students. Welcome to City Online Classes. Today, the topic of discussion is Effect of Non-Registration, Section 49 of Registration Act 1908, Chapter 10. In this lecture, we will discuss on the following heads. First, what is the object of Section 49 as well as the object of Registration Act? Second, what is the condition of registration? Section 49, condition for application of Section 49. Third, what is the effect of non-registration and consequences of? So first, what is the object of registration? So as you know, in this act, we are registering the documents. It means कि इस अधिनियम में हम लोग दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण करते हैं. As you know, Section 17 deal with the compulsory registration and Section 18 deal with the optional registration. In Section 17, Section 17 required the compulsory registration of first gift of immovable property, second जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट है जो परपोर्ट करता है किसी भी तरीके से इंटरेस्ट टाइटल क्रिएट करता है उस चीज को हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं जिसकी वैल्यू 100 रुपीज प्लस है या थर्ड कोई भी एक्नॉलेजमेंट है या कोई भी रिसिप्ट है जो 100 रुपीज अमाउंट से ज़्यादा है एक्सीड करता है तो उसको हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं. फोर्थ डी पॉइंट कोई भी लीज है एक्सीडिंग दी 12 मंथ है या ईयर टू ईयर है या परपिचुअल टाइम पीरियड के लिए है तो उसको भी हम लोग कंपल्सरी रजिस्टर्ड कराते हैं सेक्शन 17E में. या जो ई पॉइंट है उसमें हम लोग डील करते हैं कि कोई भी डिक्री है अगर जो इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उन डिक्रीज का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बनाता है. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन Section 49. As you know, कि the object of Section 49 is first object public notice to protect the interest of parties to prevent frauds. So as per Section 49 and the object of the whole registration is to public notice. It means जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट में जिस अग्रीमेंट में आपने कुछ परपोर्ट किया है उस चीज को आप क्या करते हो रजिस्टर्ड कराते हो. तो ऑब्जेक्ट क्या रहता है ऑब्जेक्ट ये रहता है कि वो पब्लिक नोटिस में आए. इट मींस कोई भी पार्टी है कोई भी सपोर्टेड बायर और सेलर है अगर जो वो बाइंग और सेलिंग में आना चाहते हैं प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं तो जो कुछ भी वो ट्रांजेक्शन करेंगे वो क्या होगा डॉक्यूमेंट पे होगा. उस डॉक्यूमेंट पे होने से क्या होगा पब्लिक नोटिस हो जाएगा कि इट मींस कि ये प्रॉपर्टी सेल हो चुकी अब ये बायर बिकम ओनर और इस तरीके से पब्लिक कोई भी पर्सन होगा वो अपने रीजनेबल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस को फॉलो करते हुए असर्टेन कर सकेगा पार्टीज को प्रॉपर्टी को. सेम वे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज इट मींस कि अगर जो आपने डॉक्यूमेंट में रिटन में कोई भी चीज लिखा हुआ है तो वो रिटन डॉक्यूमेंट ही कोर्ट के थ्रू अप्रिशिएट किया जाएगा. तो इस तरीके से उस डॉक्यूमेंट में कोई भी टर्म्स कंडीशन है तो उस डॉक्यूमेंट को ही एंटरटेन करेगा कोर्ट. तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं पार्टीज के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं. एज यू नो टू प्रिवेंट द फ्रॉड एंड फोर्जरी यानी इस एक्ट के थ्रू और सेक्शन 49 एज वेल क्या होता है फॉर्जरीज को या आपके फ्रॉड को क्या किया जाता है प्रिवेंट किया जाता है. इट मींस कोई भी डॉक्यूमेंट है जिस भी टर्म्स कंडीशन से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर की गई है या प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट टाइटल क्रिएट किया गया है अब उसमें किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन नहीं हो सकता कोई भी अल्टरेशन नोवेशन नहीं हो सकता उन टर्म्स को एज इट इज ही क्या करना पड़ेगा रखना पड़ेगा. अदरवाइज क्या होगा कोर्ट उन सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो ऑब्जेक्ट क्या है पब्लिक नोटिस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज टू प्रिवेंट द फ्रॉड एंड फॉर्जरीज.
तो अब बात आती है बिफोर दी सेक्शन 49 हम लोग को देखना होगा सेक्शन 49 में चूंकि जो कंडीशंस क्या है तो कंडीशंस ऑफ सेक्शन 49 फर्स्ट कंडीशन देयर मस्ट बी ए डॉक्यूमेंट सेकेंड डॉक्यूमेंट मस्ट रिक्वायर्ड बाय लॉ मीन्स लॉ मीन्स सेक्शन 17 एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक 1882 और थर्ड पॉइंट इज दैट डॉक्यूमेंट हैव नॉट रजिस्टर्ड तो यहां पे फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 49 फर्स्ट जो कंडीशन है वो है देयर मस्ट बी ए डॉक्यूमेंट यानी एक दस्तावेज का होना अनिवार्य है एज यू नो इन दिस एक्ट वी आर रजिस्टरिंग द डॉक्यूमेंट्स यानी इस अधिनियम में हम लोग दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण करते हैं तो दस्तावेज क्या होता है एज यू नो 218 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं यानी कोई भी आपका ट्रांजेक्शन होगा एक डॉक्यूमेंट पे होगा उस डॉक्यूमेंट के थ्रू ही टाइटल इंटरेस्ट आपने क्रिएट किया होगा रिटर्न में आपने लॉ ने रिड्यूस कराया होगा वो डॉक्यूमेंट होगा दूसरी चीज वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ हो इट मींस अंडर सेक्शन 17 वो उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो तो इस सेक्शन के एप्लीकेशन के लिए जरूरी है कि ऐसा डॉक्यूमेंट सेक्शन 17 के क्या प्रीव्यू में आता हो इट मींस अगर जो ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है विल का रजिस्ट्रेशन है तो उस पर यह सेक्शन अप्लाई नहीं होता यानी सेक्शन 49 इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सिर्फ उस सेक्शन के लिए बात करता है उस डॉक्यूमेंट के लिए बात करता है जो सेक्शन 17 में आता है चाहे इमोबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो चाहे लीज एक्सीडिंग वन ईयर हो या कोई भी टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट किया है जिसकी इमोबल प्रॉपर्टी पे उसकी वैल्यू क्या हो 100 रुपीज से ज्यादा हो या कोई डिग्री इमोबल प्रॉपर्टी का उसका उस डिग्री की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू हो वो क्या 100 रुपीज से ज्यादा है यानी सेक्शन 17 में आएगा तो ही सेक्शन 49 अप्लाई होगा सेकेंड थिंग इज डैट कोई भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जो भी प्रोविजन हैं उस प्रोविजन के थ्रू यानी आप देख सकते हो तो सेक्शन 54 सब क्लास 2 एंड 3 सेक्शन 59, सेक्शन 107, सेक्शन 123 ये सारी चीज़ें TPA में क्या करते हैं रूल ले डाउन करता है कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पे सीधे सीधे कहता है कि कोई भी सेक्शन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एनी प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर जो उसमें रिक्वायर्ड किया गया है कि डेट डॉक्यूमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड तो उन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्टर होना जरूरी है फिर तीसरा कंडीशन यहाँ पे ये है कहता है कि डॉक्यूमेंट हैव नॉट रजिस्टर्ड इट मीन्स कि यानी एक दस्तावेज है वो दस्तावेज धारा 17 या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी था लेकिन उस दस्तावेज का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा सेक्शन 49 अप्लाई होगा यानी अब क्या होगा इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन तो उसके अकॉर्डिंग जो देखो तो पहली चीज आता है क्या होता है इफेक्ट यानी कंसिक्वेंसेज हम लोग देख लेते हैं कंसिक्वेंसेज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीन चीजें बताता है फर्स्ट कहता है कि कोई भी इफ कंप्राइज नहीं करेगा कंप्राइज्ड सेकेंड नो पावर टू अडॉप्ट टू adopt and third not admissible in evidence तो यहाँ पे सेक्शन 49 आप रीड करो तो वहाँ पे जो सब क्लॉज 1, 2 एंड 3 है
वो इस तरीके से ले डाउन करता है जो कंसिक्वेंसेज है. फर्स्ट थिंग इज डैट कि कोई भी इमुअल प्रॉपर्टी अगर जो ट्रांसफ़र की गई है तो उस इमुअल प्रॉपर्टी के थ्रू सपोर्टेड टाइटल इंटरेस्ट किसी भी तरीके से आपका क्रिएट किया गया उस प्रॉपर्टी में, लीज किया गया है या गिफ्ट किया गया है, आपने एक्सचेंज किया हुआ है, मॉर्गेज किया हुआ है, इट मींस कि उस प्रॉपर्टी में, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर इमुअल प्रॉपर्टी है. तो इमुअल प्रॉपर्टी को पार्टीज ने क्या किया, ट्रांसफ़र किया. अब उस कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट टाइटल क्रिएट नहीं होगा अनलेस अंटिल जब तक कि वो डॉक्यूमेंट क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है. तो इट मींस कि यहाँ पे कंप्राइज नहीं होगा. सेकंड, पावर टू अडॉप्ट, इट मींस अगर जो कोई अडॉप्शन है, अगर जो उस अडॉप्शन में रूल ले डाउन किया गया कि उस अडॉप्शन का भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. सपोज डेट आपने अडॉप्शन किया लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में भी वो पावर टू अडॉप्ट है, वो किसी भी तरीके से मीनिंगफुल नहीं होगा, ऑपरेट नहीं करेगा. थर्ड थिंग इज दैट कि अगर जो कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट को क्या किया गया है, थ्रू बाई लॉ रिक्वायर्ड किया गया कि उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करो. सेक्शन 17 या TPA के जो प्रोविजंस हैं वो रिक्वायर्ड करता है कि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए. तो सपोज डैट सेक्शन 17 के लिस्ट में, एंटिटी में आने के बाद भी आपने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो इन एविडेंस एक्ट इन बिफोर द कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को एज ए एविडेंस एडमिजिबल नहीं करेगा कोर्ट. तो यहाँ पे सीधे सीधे कहता है एड नो एडमिजिबिलिटी इन एविडेंस, यानी उस दस्तावेज को एडमिजिबल नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है. बट जो एक्सेप्शन है यहीं पे जो प्रोवाइडेड डेट है, फर्स्ट और सेकेंड क्या कहता है, फर्स्ट ये कहता है कि आप स्पेसिफिक चैप्टर टू, चैप्टर टू ऑफ स्पेसिफिक SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यानी 1963 का है, पहले 1877 का था जो आपके बेरक में लिखा होगा. और दूसरी चीज कहता है कोलेट्रल ट्रांजेक्शन, को ले ट्रल ट्रांजेक्शंस. दो एक्सेप्शन ये रूल ले डाउन करता है, यानी सेक्शन 49. ये कहता है फर्स्ट की ठीक है, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको एज एविडेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, एडमिजिबल नहीं किया जाएगा. बट समहाउ उस डॉक्यूमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को SRA एक के चैप्टर टू में क्या किया जा सकता है, कोर्ट उसको कंसीडर कर सकता है, मे कंसीडर. सेम वे कोई कोलेट्रल ट्रांजेक्शन है, संपार्श्विक कोई अगर जो आपका ट्रांजेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी उसको कोर्ट एडमिजिबल कर सकता है, उस अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को. तो ये कोलेट्रल ट्रांजेक्शन क्या है, सपोर्ट डेट मान लो कोई लीजी है, अगर जो सपोर्ट डेट मैं मान लेता हूँ ये लीजर है, ये लीजर है और एक लीजी है. सपोर्टेड लीजी ने लीजर को कुछ रेंट पे किया, कुछ अमाउंट दिया, समहाउ अंडर सेक्शन 111 लीजर ने लीजी को क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी से, लीज होल्ड प्रॉपर्टी से टर्मिनेट कर दिया. ठीक, तो उस कंडीशन में जो अमाउंट था, जो सिक्योरिटी था, वो सिक्योरिटी डिमांड करेगा लीजी फ्रॉम द लीजर कि आप वो मुझे अमाउंट दे दो, क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया. तो उस कंडीशन में ये अमाउंट देना पड़ेगा. अब सपोज डेट उस लीज अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, यानी एक साल से ज़्यादा का लीज था, फिर भी वो अनरजिस्टर्ड था, लेकिन अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ था, तो उस कंडीशन में उस नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को भी कोर्ट कंसीडर कर सकता है. तो दो ही एक्सेप्शन है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, कि चैप्टर टू ऑफ SRA में अगर जो आए, या आपका कोलेट्रल ट्रांजेक्शन है, तो उस कंडीशन में कोर्ट एक्सेप्ट करेगा. अब अगर जो आप देखो इसके जो इफेक्ट्स हैं, तो इफेक्ट्स में फर्स्ट थिंग अगर जो हम लोग देखते हैं, अब ये तो हो गया कंसिक्वेंसेज, अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट. पहला कहता है इनऑपरेटिवनेस, इन
तो ये सीधे सीधे कहता है, अगर जो इफेक्ट देखो तो यहीं से निकलता है, इसी चीज़ को आप देख लो, तो कहता है इनऑपरेटिवनेस, यानी वो डॉक्यूमेंट आपने सेल किया, लीज किया, मॉर्टगेज किया, जिसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था, कंपलसरी था, बट आपने क्या नहीं किया, उसको आपने रजिस्टर्ड नहीं किया, तो वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके से टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा, यानी वो इनऑपरेटिव होगा, अपरिवर्तनीय होगा, यानी वो दस्तावेज किसी भी तरीके से प्रदत्त नहीं होगा। ऐसे ही सेम में कोई भी आपने पावर टू एडॉप्ट, अगर जो कोई भी चीज़ एडॉप्शन का था, आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं किया, तो उसके अकॉर्डिंग भी परपोर्ट नहीं करेगा। सेम वे नॉन एडमिजिबिलिटी, उस अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कोर्ट कंसीडर नहीं करेगा जो रिक्वायर्ड टू बी ए रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से ये एक शॉर्ट नोट्स है जो आप सेक्शन 49 अलग से सेपरेटली पूछा जा सकता है, या आप सेक्शन 17 जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसके साथ आप पे आएगा, तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, व्हाट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ओके, थैंक्स।